हेलो दोस्तों, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो चलिए अब बात करते हैं इश्यूज़ इन रिमोट प्रोसीजर कॉल की। सबसे पहला इशू है आरपीसी रन टाइम का। RPC runtime system is a library of routines and a set of services that handle the network communications that underlie the RPC mechanism. तो RPC runtime system क्या है? It is library of routines. उसमें बहुत सारी routines होती हैं, set of services होती हैं जो network communications को handle करती हैं और वो RPC mechanism के अंडर लाई करते हैं। In the course of an RPC call, client-side and server-side runtime systems could handle binding, establish communications over an appropriate protocol, pass call data between the client and server, and handle communications errors. So in the course of an RPC call, client side and server side runtime systems, ये कोड क्या करते हैं, RPC call क्या करते हैं, they handle binding, establish communications over an appropriate protocol, pass call data between the client and server, and also handle the communication errors. Now stub. The function of the stub is to provide transparency to the programmer written application code. सबसे पहला उनका जो काम होता है, major काम is to provide transparency to the programmer written application code. Client side से अगर बात करूँ तो stub क्या करता है? It handles the interface between the client's local procedure call and the runtime system. Marshalling and unmarshalling data, invoking the RPC runtime protocol, and if requested, carry out some of the binding steps. तो स्टब इंटरफेस हैंडल करता है क्लाइंट लोकल प्रोसीजर कॉल और रनटाइम सिस्टम के बीच, मार्शल और अनमार्शल करता है डेटा को, दैट इज पैकिंग एंड अनपैकिंग। ऑल्सो इट इन्वोक्स द आरपीसी रनटाइम प्रोटोकॉल, उसके लिए भी काम आता है स्टब। एंड अगर रिक्वेस्ट किया तो इट ऑल्सो कैरीज आउट सम ऑफ द बाइंडिंग स्टेप्स। नाउ ऑन द सर्वर साइड, स्टब provides a similar interface between the runtime system and the local manager procedures that are executed by the server. तो server side पे भी stub जो है वो कुछ similar interface ही provide करता है runtime system और local manager procedures के बीच में, जो कि server के through execute होते हैं। अब बात करते हैं हमारा third and final issue, that is binding. Now how does the client know who to call and where the service resides? ये कैसे पता चलेगा क्लाइंट को कि किसको कॉल करना है और सर्विस कहाँ पे है? सो द मोस्ट फ्लेक्सिबल सोल्यूशन इज टू यूज डायनामिक बाइंडिंग, दैट इज रन टाइम बाइंडिंग, एंड फाइंडिंग द सर्वर एट रन टाइम व्हेन द आरपीसी इज फर्स्ट मेड, दैट इज रिमोट प्रोसीजर कॉल इज फर्स्ट मेड. द फर्स्ट टाइम द क्लाइंट स्टब इज इन्वोक्ड, इट कॉन्टैक्ट्स अ नेम सर्वर टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट एड्रेस एट विच द सर्वर रिसाइड्स. तो जब भी सबसे पहले क्लाइंट स्टब को इन्वोक किया जाता है तो वो क्या करता है, वो एक नेम सर्वर को कॉन्टैक्ट करता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट एड्रेस निकाल सके और बता सके कि कौन से सर्वर पे हमें ये डेटा या फिर कॉल भेजना है और सर्वर कहाँ पे रिसाइड करता है, उसका लोकेशन क्या है. सो या दीज वर द थ्री इश्यूज, थ्री मेजर इश्यूज इन रिमोट प्रोसीजर कॉल. आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much.